अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, इशरत जहां की 5 दिन बाद अस्पताल में हुई मौत। दारोगा मनोज शर्मा की सरकारी पिस्टल से लगी थी गोली। पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने आई थी 55 वर्षीय इशरत जहां। आरोपी मनोज शर्मा पर 20,000 का इनाम हुआ घोषित, NBW जारी। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां 5 दिनों के इलाज के बाद 55 वर्षीय इशरत जहां की अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी दारोगा मनोज शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सहयोगी मुंशी को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मृतक इशरत जहां का डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आरोपी दारोगा पर पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित करते हुए न्यायालय से आरोपी के खिलाफ NBW जारी कर दिया गया है। अभी भी आरोपी दारोगा मनोज शर्मा पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके लिए टीम गठित करके गिरफ्तारी की कोशिश कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में। आज लगभग 2:50 मिनट के आसपास एक जो सूचना दी गई है वहाँ के CO वहाँ के SHO द्वारा कि थाने के CCTNS कार्यालय में एक उपनिरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, ये सरकारी असलह से, वो भी देखना है, पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसके गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर CO आदि को भेजा गया है, जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं तो वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दारोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य में ये स्पष्ट नहीं है, ये इस फुटेज से स्पष्ट हो पाएगा, अज्ञात कारणों से, अभी तक कारण अज्ञात है, इसको हम स्पष्ट करेंगे। थाना कार्यालय के अन्य सिपाही भी आसपास खड़े थे, हालांकि वो बच गए, उनको कुछ ऐसी मतलब वो इससे आहत नहीं हुए हैं, लेकिन महिला जरूर आहत हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर वैधानिक कार्रवाई की भी आदेश दिए। और दारोगा अभी मौजूद नहीं है थाने पे, उसको हम लोग अभी, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है, यदि वो फरार है तो उसको अभी हम कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि उसको डिटेन करेंगे। तो ये घटनाक्रम है, अभी कुछ ही देर पहले का घटनाक्रम है, इसके आगे की जितनी बातें हैं मैं जल्दी आपको स्पष्ट करता हूँ। दिनांक 8 दिसंबर को थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़ में एक SI मनोज कुमार शर्मा की पिस्टल से चली गोली से एक महिला जख्मी हो गई थी, जिसमें आज एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि उक्त महिला की 5 दिवस इलाज के बाद मृत्यु हो गई है। इस दुखद सूचना पर समस्त पुलिस परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है और संवेदना प्रकट करता है। वहीं दूसरी ओर जो लापरवाह दारोगा था उसके विरुद्ध परिवार के द्वारा अंतर्गत IPC 307 मुकदमा दर्ज कराया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट NBW जारी किए गए। उसके फरारी के दृष्टिगत उस पर 20,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है और साथ में जो मुंशी था उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पूरे विधिवत समस्त कार्रवाइयाँ करते हुए पैनल आदि के द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाते हुए निष्पक्ष विवेचना आदि के निर्देश दे दिए गए हैं तथा जो हमारी टीम है, पुलिस की टीम है, वो लगातार उपरोक्त दारोगा की धरपकड़ के लिए प्रयास कर। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।